आज हम बात करेंगे रियान खान की ज़मानत न होने पे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपको पता है, रियान खान को स्मगलिंग केस में पकड़ा गया है। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलात कम नहीं हो रही। मुंबई के खसूसी अदालत ने रियान खान की जमानत अर्जी पर फैसला एक बार फिर से टाल दिया। इस मामले की समाअत 20 अक्टूबर को दोबारा होगी। अदालत का फैसला ना आने तक अब रियान खान को मजीद 6 दिन जेल में ही काटने होंगे। जुमेरात को समाअत के दौरान वकील अहमद देसाई ने कहा कि जो मुझे जानकारी मिली है, इसके मुताबिक फोन में कोई पार्टी का जिक्र नहीं है। ज्वाइंट पोजीशन पर आज बहस नहीं करनी है। मैं नहीं मानता कि ये जो ज्वाइंट पोजीशन है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ अगर ऐसा है भी तो भी ये ट्रायल का मौजू है। रियान खान बहुत साल तक बैरून मुल्क में थे, जहाँ कई चीज़ें कानूनी हैं। ये भी हो सकता है कि वहाँ के लोग किसी और चीज़ की बात कर रहे हों, जिसमें रियान खान भी शामिल हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या बात हुई, लेकिन अदालत को ये सब याद रखना चाहिए कि आप साजिश के अमकानात कहते हुए जमानत की मुखालफत नहीं कर सकते। जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब गलत हैं। रियान खान के वकील ने कहा कि जो भी इल्ज़ाम लगाएंगे वो गलत हैं। इसी तरह जिस तरह सुशांत राजपूत को भी ड्रग्स दी जाती थी, लेकिन वो पकड़े गए, इसलिए एक अहम बात माना गया था, ड्रग्स सप्लाई का इल्ज़ाम था। आज बरूने मुल्क में जो जो भी चोर गया